हैं, आपकी बहू कैसी, ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही आप? नहीं नहीं वो बेचारी तो बहुत मासूम है, लेकिन लेकिन क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत ठीक है? अभी तो नहीं है, लेकिन उसका आना जाना अगर ऐसे ही लगा रहा ना तो हो भी सकता है। सना तो बेचारी अपनी सादगी में उसके आगे पीछे चली जा रही है, लेकिन बेटा तुम तो जानते हो ना कि वो कितनी चालाक लड़की है। और चालाकी तो देखो उसकी, जब भी आती है सना के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आती है। बेटा सुफियान, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखने चाहिए और ख्वाहिशें भी। जब ख्वाब बड़े हों और ख्वाहिशें बढ़ जाएं ना, तो इज्जत और एहतराम खत्म हो जाता है। जी अम्मी, मैं उसे समझाऊंगा। उसे समझाना, लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुमसे कुछ कहा है, खामखा हमारे आपस के रिश्ते में दरारें पड़ जाएंगी, समझ रहे हो ना बेटा? जी जी अम्मी, आप घबराएं नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा सब। खुदा हाफिज। जब हम किसी से गिफ्ट लेते हैं तो हमें फिर गिफ्ट देना भी पड़ता है। तुम खुद बताओ, क्या हमारी हैसियत है कि हम उसके उसके मुताबिक उसको गिफ्ट दे सके? बस कर दो सुफियान यार, अलीना ना ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचती। सना, तुम कब से इन सब चीजों के पीछे मरने लगी? इसमें मरने की बात कहाँ से आई? अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए, और वैसे भी इशरत आंटी की कोई उतरन नहीं है ये। जो भी है सना, उसकी दिए हुए सारे गिफ्ट तुम उसे वापस करो, और नेक्स्ट टाइम वो हमारे घर ना है, क्योंकि अम्मी को उसका हमारे घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और इस तरह से तोहफे तहाइफ देना तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी सुफियान, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। और जिस तरह तुम्हें पप्पो ने समझाया है ना, तुम्हें वक्त मिले तो उन्हें भी समझा देना कि इस घर का सुकून चाहती है तो सारा से दूर रहे। अपना घर तो बसा नहीं सकी, हमारा घर खराब करने पे आ गई है। क्या हो गया सनाब? गुस्सा मुझे था सारा पर, तुम खामखा का बहर पाल रही हो। बिला वजह तो कुछ नहीं होता, सारा ने जिस जिस तरह मुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, मेरा दिल ही जानता है। कसम से उसके लिए ना दिल से दुआ नहीं निकलती मेरे। ऐसा नहीं कहते सना, बहन है वो तुम्हारी, और वैसे भी जब कोई अपना तकलीफ में होता है तो हम भी सुकून में नहीं रह पाते। तुम नहीं हो ना खुश। मगर मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूँ। इसीलिए जिस तरह तुमने पप्पो का पैगाम मुझ तक पहुँचाया है ना, मेरा पैगाम भी उन तक पहुँचा देना। और अगर मैं ये पैगाम ना दूँ तो क्या करूँगी? तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी। हाँ सुफियान बोलो। जी भाई, मैं ये कह रहा था काम खत्म हो गया सारा, तो मैं आ जाऊँ वापस? नहीं अभी तुम रुको, आई थिंक एक और डेलीगेशन आने वाला है। ये डेलीगेशन कल आ रहा है? हाँ वो एक हफ्ते बाद आएगा। लेकिन भाई। हाँ तो क्या हो गया? जॉब करते हो ना, ऑर्डर देंगे? नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है भाई, मैं रुक जाता हूँ, डेलीगेशन से मीटिंग करने के बाद ही आता हूँ वापस। अल्लाह हाफिज। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।